जितेंद्र ने 74 किलोग्राम की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में वो कर दिखाया जो इससे पहले वो कभी नहीं कर पाए थे, यानी फाइनल में उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित किया, हालांकि फाइनल में वो जीत नहीं पाए। जानते हैं जितेंद्र से। जितेंद्र बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले। धन्यवाद जी। आपसे, आप कितने खुश हैं और कितने नाराज़ हैं? नाराज़ तो हैं जी, क्योंकि हम अपने देश को गोल्ड नहीं दिला पाया, थोड़ी ही कमी रह गई, और खुश भी हूँ कि कुछ तो किया अपने देश के लिए। लेकिन आपने इससे पहले एक ईरान के पहलवान को भी शिकस्त दी थी और वो पूर्व एशियन चैंपियन था, आपको पता था इस बारे में? हाँ जी बिल्कुल पता था उसके। तो वो सब कैसे मुमकिन हुआ? जी बस हमारे जो कोचिंग स्टाफ था, भाई दोस्त जो भी थे, उन्होंने एक स्ट्रेटजी तैयार कर रखी थी, तो उस पर हमने अपना वर्क किया तो कामयाब हुए। कैसे प्रैक्टिस चल रही है आपकी ओलंपिक की तैयारियों के लिए? आप क्या क्या कर रहे हैं? आप कितनी दिनचर्या में आपके बदलाव आया है? जी हाँ, अब हम जैसे एक स्पेशल नज़दीक ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट है, तो उसमें हमारे जो कोचिंग स्टाफ है जो अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और जो अब यहाँ पर कमी हुई है, पहले जो कमी हुई थी उस पर स्पेशल वर्क कर रहे हैं हम। तो आपको लगता है कि 74 किलोग्राम में आपको भारत में उतना कंपटीशन मिल जाता है जिससे कि आप ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट की तैयारी कर पाएँ? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे अपोनेंट हैं, उनको देखकर और ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन वो अपोनेंट ऐसे हैं जिनको आप हरा देते हैं अक्सर? जी वो तो सभी का अपना अपना वो होता है कि सभी सोचते हैं कि मैं इसको हरा कर फर्स्ट आऊँ और अपने देश का प्रेजिडेंट करूँ। तो अब ये तय है कि 74 किलोग्राम में आप ही जा रहे हैं? जी हाँ। ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए? जी हाँ बिल्कुल, हमारे प्रेसिडेंट ने बोला है अगर ऐसे ही लगा रहा है और क्वालिफाई का जो है कोटा लेके आओ। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सभी का। तो ये थे जितेंद्र, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अब ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है, और यहाँ पर एशियन चैंपियनशिप में जो उन्होंने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है इसे वो आगे भी बरकरार रखेंगे। हालांकि इस प्रदर्शन से भी वो खुश नहीं है, उनको एक ही मलाल है कि वो गोल्ड नहीं दिला पाए भारत को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।